तो कभी कभी देखेंगे इसमें प्रश्न उठेगा, जो डिवोटीज होंगे ऑलरेडी मंदिर जाते होंगे उनके मन में प्रश्न आ जाएगा कि हम तो ऑलरेडी भक्त हैं, हम तो ऑलरेडी भगवान की सेवा करते हैं, फिर हमको क्यों दुखा रहे हैं? अगर भगवान की शरण में आने पर भी क्या भगवान ने सारे के सारे दुख समाप्त नहीं कर दिए? इस एनालॉजी को कैसे समझेंगे? इस गुहितम प्रश्न का उत्तर क्या है? तो एक छोटी सी स्टोरी लेंगे, उस स्टोरी से समझने की कोशिश करेंगे। एक बार एक गुरुजी थे, उनके शेल्टर में दो डिवोटीज रहा करते थे। एक डिवोटी था किसी भी नियम को दृढ़ता से पालन नहीं करता था, और दूसरा डिवोटी बहुत सिंसियरली सारे नियमों का पालन करता था। ये सोचता था गुरुजी के आश्रम में तो अच्छा बिहेव करूंगा, घर जाके जो मर्जी करो। जैसे हम हर बार बोलते हैं, सब लोग जूम पर आए हैं, अपना चेहरा दिखाइए, ऑन करिए। कुछ लोग तो इस बात को समझ लेते हैं, सही से फॉलो करते हैं, कुछ लोग कहते हैं अजी चलने दो, क्या दिखाने की क्या जरूरत है, हमें देखकर क्या करेंगे। तो सबके अपने अपने भाव से लोग अपना क्रियाएं करते हैं। तो इसी प्रकार से उसमें से एक व्यक्ति तो दृढ़ता से पालन करता था, और दूसरा घर जाके आराम से सोता था कोई भगवान का भजन नहीं। अब क्या हुआ, एक दिन गुरुजी ने कहा कल दीक्षा समारोह है, आप दोनों आइएगा, दीक्षा दूंगा। अब दीक्षा का समारोह आया तो दोनों दौड़े दौड़े गुरुजी के पास आ रहे। एक को रस्ते में 10 लाख रुपए का गोल्ड चेन मिला, 10 लाख रुपीज, और दूसरा जो दृढ़ता से पालन करता था उसके पैर में कील घुसे, खून ही खून निकल गया, ब्लीडिंग हो रही है, हैवी ब्लीडिंग, वेरी डिप्रेशन, पेनफुल लाइफ, क्या करूंगा, मैंने इतने नियम पालन किए फिर भी कष्ट। और ये जो था ये तो मस्ती की लाइफ जी रहा था, और फिर अब और मस्ती दिएगा, 10 लाख रुपए मिल गए। हम भी देखते हैं हमारे अड़ोस पड़ोस में लोग मांस खा रहे फिर भी ग्रो कर रहे हैं, हम जो है इतनी मेहनत कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, फिर भी प्रॉब्लम नहीं जा रही है। जाकर गुरुजी के सामने क्वेश्चन मार्क रख दिया, गुरुजी इट्स एनफ नाउ, आई कैन नॉट टॉलरेट मच, जस्ट गिव मी एन आंसर, व्हाट इज द पर्पस, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, आप मुझे बताइए क्या इसका इसका उत्तर क्या है। गुरुजी सोच में पड़ गए और गुरुजी ने उत्तर दिया। गुरुजी कहते हैं देखो, इसके पूर्व जन्म के अनुसार आज इसको सोने का महल मिलना था, खाली 10 लाख रुपए नहीं, इसको आज करोड़ों रुपए की जायदाद, अरबों रुपए की जायदाद मिलने वाली थी। इसके प्रारब्ध ऐसे थे, इसने इतने अच्छे कर्म किए पिछले जन्म में, लेकिन इसने जो अपने दुष्कर्म किए उसके कारण इसने अपने अच्छे कर्मों को ब्लॉक कर दिया, आज उसको फल नहीं दे पाए। लेकिन तुमने जो भक्ति के नियमों को पालन किया, तुमने अपने पिछले जन्म में ऐसे दंड दिए, ऐसे कर्म किए थे, आज तुम्हारे को सुई से नहीं, तुम्हारा एक्सीडेंट होना था, तुम्हारी टांगे कटने वाली थी। लेकिन क्यों तुमने भजन के मार्ग को पकड़ा, तो भगवान कृष्ण ने तुम्हारे जीवन के दुखों के समूल पहाड़ों को तुम्हारे भजन की शक्ति से आधा कर दिया, कम कर दिया, इसलिए खाली कील लग करके रह गए, इसके बदले तुम्हें तो आज टांग ही कट जाने वाली थी। तो इस तरह से हम देखते हैं भक्त जो होते हैं जब दुख आता है तो वो जानते हैं कि जितना मिलना था उससे कम मिल रहा है, और जब सुख आता है तो सोचते हैं इतना मिलना नहीं था, ये तो गुरु जी की और कृष्ण की कृपा हो। जो व्यक्ति ऐसे सोच पाते हैं वही निश्चित होकर के अपने जीवन को जी पाते हैं, अन्यथा हमेशा दुख में रहते हैं, परेशान रहते हैं। सो द चॉइस इज योर्स, चुनाव आपके हाथ में है, दुखी होकर के रोना है या भजन कर कर के इस दुख से बाहर निकलना है। भगवान का भजन करने का आपके पास में चॉइस दिया गया है, नहीं चॉइस करोगे घूमोगे फिरोगे परेशान रहोगे। इसलिए महाप्रभु आए और उन्होंने आकर के हम सबको ये मंत्र दिया, हरे कृष्ण महामंत्र, इसका जप करने से व्यक्ति सारे के सारे प्रॉब्लम से बाहर आ सकता है। ओके okay?